जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं आज खोठा भाषा को लेकर, एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर हम आए हुए हैं जो कि खोठा भाषा साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित ये प्रश्न होने वाला है। जितने भी भाषा और उसके भाषा साहित्य और उसके साहित्यकार हैं उन सभी से संबंधित जो वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं, इसमें से साहित्य और प्रमुख साहित्यकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साहित्य और साहित्यकारों के बारे में इसमें हम मुख्य रूप से जो है वो एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे। ये आपका लगभग जो है वो भले सवाल इसमें आपके 275 होंगे, लेकिन आज के इस सेशन में आज एक बार लास्ट तक बने रहेंगे, कम से कम आपके यहाँ से 300 से अधिक प्रश्न यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे और बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। तो आज के पहले सवाल को देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि खोठा कौर भाषा परिवार के सदस्य ला गए। तो खोठा भाषा, इससे पहले हम इसके बारे में कई बार पोल भी करा चुके हैं, कई बार ये सवाल, इन सभी सवालों को हम पहले कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा खोठा जो वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार में आप सभी को पता है कि कुड़ुख और माल्टो भाषा जो आता है वो आता है द्रविड़ के अंतर्गत। कुड़ुख और माल्टो, माल्टो या तो कई जगह पे आपको माल्टो लिखा हुआ मिलेगा या तो कई जगह पे आपको माल्टो नजर आएगा, है ना। ये सभी जो है वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। उसके अलावा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवारों में भी अलग अलग भागों में, खंडों में बटा हुआ है। अगला सवाल है कि खोरठा कौन भाषा परिवार के प्रजाति सदस्य लागे। तो खोरठा कौन प्रजाति के सदस्य लागे, तो खोरठा आप सभी को पता है कि किस जाति का है संबंधित, तो आर्य प्रजाति से संबंधित है। याद रखेंगे यह आर्य प्रजाति से संबंधित माना जाता है। अगला सवाल है कि एके झा जी पूरा नाम बतावा। तो बार बार हम जितना बार भी हम एके झा का नाम लेते हैं तो उनका हम नाम के साथ अजीत कुमार झा जरूर बोलते हैं ताकि उनका नाम जो है वो आपको पूरा हमेशा याद रहे। तो इस चीज़ को जब भी आप एके झा का नाम पढ़ें तो हमेशा उनका नाम जो है वो अजीत कुमार झा को लेकर नाम से याद करके पढ़ें पूरा। वहाँ से क्या होगा कि ऐसे में जितनी बार आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे वहाँ से आपका सारा जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। अगला सवाल है कि एके झा जी की जन्म तारीख बतावा। तो एके झा जी का जन्म तारीख की बात करें तो 2 फरवरी 1942 को इनका जन्म हुआ था। एके झा जी का जन्म, एके झा जी की मृत्यु के तारीख बतावा। तो एके झा जी की मृत्यु के तारीख बतावा, यहाँ पे मृत्यु का तारीख यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इनका मृत्यु कब हुआ था। तो जन्म अगर बात करें तो जन्म हमने देखा कि 2 फरवरी 1942 को जन्म हुआ था, और इनका निधन की अगर बात करें, इनका निधन तो 29/9/2013, याद रखेंगे 29/9/2013 इनका निधन जो है वो हुआ था। और यह कह सकते हैं कि खोठा साहित्य के साथ साथ, साहित्यकार के साथ साथ, यह एक प्रमुख मौसम वैज्ञानिक भी थे। कई बार सवाल जो है वो आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे खोठा साहित्यकार हैं या खोठा लेखक है जो मौसम वैज्ञानिक भी रहे हैं या मौसम वैज्ञानिक भी थे। तो याद रखेंगे यह ए के झा इनका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए के झा। अगला सवाल है कि खोठा भाषा की उत्पत्ति बतावा। तो खोठा भाषा की उत्पत्ति जो वो किस से मानी जाती है। तो खोठा भाषा की उत्पत्ति अगर बात करें तो खरोष्ठी लिपि से ही माना जाता है, क्योंकि खरोष्ठी से ही कहीं ना कहीं यह विगड़ा रूप जो वो माना जाता है खोरठा को। तो याद रखेंगे खोरठा जो वो खरोष्ठी लिपि से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि इसको लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी जैसे हिंदी लिखते वैसे ही हम खोरठा को भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति किससे हुआ है तो यह खरोष्ठी लिपि से उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन अगर लिखा जाए कि कैसे लिखा जाता है या किस रूप में लिखा जाता है तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि खोरठा के पहल रचनाकार के नाम बतावा। तो खोरठा भाषा के पहल रचनाकार, कई बार सवाल पूछा गया है, राजा दलेल सिंह आपको याद होगा। राजा दलेल सिंह यह जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित माने जाते हैं, और यह खोरठा भाषा के पहल रचनाकार यानी पहले रचनाकार भी माने जाते हैं। यह रामगढ़ राज्य के राजा थे। तो इस तरह के सवाल, अगला सवाल भी आपसे वही पूछा गया कि राजा दलेल सिंह कहाँ का राजा रहत। तो यह रामगढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे, तो रामगढ़ के ये राजा थे। खोरठा भाषा के क्षेत्रीय रूप पावल जा है। तो खोरठा भाषा में कुल कितने क्षेत्रीय रूप जो है वो पावल जा है, ये आपसे पूछा गया कि खोरठा भाषा में कुल कितने क्षेत्रीय रूप जो है वो देखने को मिलता है। तो खोरठा भाषा को मुख्य रूप से जो है वो 6 भागों में 6 क्षेत्रीय भाषा में बांटा हुआ है। उसमें से अलग अलग नाम है, जैसे गोलवारी है, पार नदिया है,
सिखरिया है, उसके बाद संथाल परगनिया है, इस तरह से अलग अलग नामों से जो वो जाना जाता है। तो इनका क्षेत्रीय विस्तार जो वो कहीं ना कहीं एक कह सकते कि मापक होता है पहला, एक मापक होता है पहला। आप गांव देहात में जो चावल मान लेते हैं, अगर चावल वगैरह जो भी धान वगैरह जो भी मापने की युक्ति होता है वो पहला का प्रयोग किया जाता है। तो पहला के आधार पर ही कुछ क्षेत्रों को अलग अलग जो है खोठा जो कह सकते कि खोठा के जाने माने दिग्गज हैं उन्होंने अलग अलग नाम से या अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन इनका किया हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सबसे जो मान्य माना जाता है वो कुल छः क्षेत्रीय रूपों में बटा हुआ माना जाता है खोठा भाषा को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खोठा भाषा क्षेत्रीय रूप में कितने रूप में पावल जा है, तो कुल छः रूप में पावल जा है। ठीक है, सिखरिया, गुलवारी, संथाल परगनिया, पार नदिया जिसको हजरबगिया भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से कई बार आपसे अलग अलग नामों से पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है। जैसे गोलवारी, तो गोलवारी जो वो गोला क्षेत्र में बोला जाता है, रामगढ़ का गोला क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में जो है यह बोला जाता है। तो इस तरह से उनका क्षेत्र विस्तार भी कई बार आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल है कि एके झा के अनुसार क्षेत्रीय रूप पावल जा है। अब यहाँ पे क्या कि अलग अलग बोले कि खोठा के जो दिग्गज हैं उन्होंने अलग अलग आधारों पर जो है वो इसका विस्तार जो है वो दिया है। तो अगर एके झा के अनुसार से बात करें तो इन्होंने दो क्षेत्र में दिया था। ठीक है, इन्होंने जो क्षेत्रीय रूप दिया है वो कितना दिया है, तो दो रूप दिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना कि इन्होंने जो है वो खोठा को दो क्षेत्रों में विभाजित किया था, दो क्षेत्रों में विभाजित किया था। तो इस तरह से सवाल आपसे घुमा फिरा के किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे अगला सवाल पूछा गया कि खास पहला में अनाज पावल जा है, तो खास पहला में जो अनाज पावल जा है वो किस रूप में पावल जा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। 12 छटाक, 14 छटाक, 16 छटाक या फिर 18 छटाक। तो इस तरह से इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर इसका सही आंसर हम अगर देखा जाए, इसका अगर सही आंसर देखें तो 12 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 14 छटाक। खास पहला में जो अनाज पाया जाता है वो कितने छटाक का, तो 14 छटाक का अनाज जो है वो पाया जाता है। खास पहला में कौन भाषा का प्रभाव पावल जा है, तो खास पहला में जो कौन भाषा का प्रभाव पावल जा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बंगला। बंगला का प्रभाव जो है वो खास पहला में कौन भाषा का प्रभाव पावल जाए, तो बंगला का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे सिखरिया में जो पहला जो पाया जाता है वो 18 गंडी का होता है। ठीक है, वो सिखरिया पहला जो होता है वो कितने गंडी का होता है, तो 18 गंडी का वो पहला होता है, याद रखेंगे। यह लगभग जो है वो 900 ग्राम होता है, यह लगभग जो है वो 900 ग्राम होता है, यानी एक पहला उधर का सिखरिया क्षेत्र का जो है जिसको सिखरिया पहला कहा जाता है वह जो होता है वो लगभग 18 गंडी का होता है। उसी तरह से अगर बात करें अगला, जैसे गोलवारी क्षेत्र जो गोला रामगढ़ तरफ बोला जाता है, तो उसका जो पहला होता है वो लगभग 22 गंडी का होता है। ठीक है, तो गोलवारी वाला जो क्षेत्र में होता है वो 22 गंडी का होता है, और 22 गंडी लगभग ये 1 केजी के बराबर हो जाता है, यानी एक पहला जिसको अनाज दे देगा वो लगभग 1 केजी अनाज दे देता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, तो खोठा के इन क्षेत्रों को आपको नाम याद रखना है, जैसे सिखरिया, गुलवारी, देसवाली, परनदिया, संथाल परगनिया, ये सब नाम आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है, और इनका क्षेत्र विस्तार भी कई बार पूछा जाता है कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ तक देखने को मिलता है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी कई बार आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किसका विस्तार जो है वो किस क्षेत्र तक है और इसका संबंध बताइए, तो इस तरह से सवाल आपसे डायरेक्टली जो है वो पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। अगर बात करें देसवाली, तो देसवाली भी खोठा का एक रूप देखने को मिलता है। ठीक है, देसवाली भी आपको इस क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार में देखने को मिलता है। खास पहला के क्षेत्र बतावा, तो खास पहला का क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो अभी हमने जैसे देखा कि खास पहला में जो प्रभाव है वो बंगला का प्रभाव है, तो बंगला का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं वो किस क्षेत्र से जुड़ा होगा, बंगाल की सीमा से जुड़ा होगा। और पश्चिम बंगाल हम जानते हैं कि झारखंड की किस सीमा की ओर पाया जाता है, पश्चिम बंगाल अगर बात करें तो झारखंड की पूर्वी सीमा में जो है, झारखंड की पूर्वी सीमा में जो है वो पश्चिम बंगाल स्थित है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट इस तरह से, अगर इस तरह के अगर कि हम
मैप हम देखते हैं तो झारखंड के इस क्षेत्र में जो है वो है वेस्ट बंगाल, उत्तर में जो है यहाँ पे है बिहार, यहाँ पे है यूपी, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, और नीचे है इसका दक्षिण में जो है वो उड़ीसा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे जो है वो उड़ीसा है। तो इस तरह से झारखंड की सीमा कुल 5 राज्यों से लगता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में जो है वो छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम में जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा, ये 5 राज्यों से झारखंड की सीमा लगती है। तो कई बार जब हम सीमाओं से संबंधित जब हम एक सवाल इसका वीडियो लेकर आए थे तो उसमें से सारे चीज़ों को हमने देखा था कि किस जिले का सीमा किससे लगता है किससे नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा चास से बंगाल के सीमा तक को क्षेत्र को जो है वो खास पहला का क्षेत्र बताया गया है। गोलवारी में अनाज पावल जा है, तो गोलवारी में अनाज पावल जा है। अभी हमने बात किया यह 18 छटाक या 18 गंडी, कई बार आपको गंडी भी लिखा हुआ मिलेगा या 18 छटाक, जो लगभग 900 ग्राम के बराबर होता है, जो लगभग 900 ग्राम के बराबर होता है। तो याद रखेंगे गोलवारी क्षेत्र में जो अनाज पावल जाए वो 18 छटाक या 18 गंडी का पाया जाता है, जो लगभग 900 ग्राम का होता है। गोलवारी का क्षेत्र अगर बात करें तो गोलवारी क्षेत्र जो है वो गोला से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र जो है ये आपका देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका माफ कीजिएगा, ये गोला से बंगाल तक नहीं, ये कसमार, गोला कसमार से लेकर भेड़ा नदी तक जो क्षेत्र माना जाता है वो गोलवारी का क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गोला रामगढ़ कसमार क्षेत्र जो है वो इसका क्षेत्र विस्तार है, तो यहाँ पे बंगाल वाला नहीं लेकिन गोला कसमार क्षेत्र वाला जो है वो आपका ये आ जाएगा गोलवारी क्षेत्र के अंतर्गत। रामगढ़िया में प्रभाव पावल जा है, तो रामगढ़िया में प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, वो किस किस का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, तो इसमें कुरमाली और नागपुरी ये दोनों का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। याद रखें कि रामगढ़िया का जो प्रभाव है वो कुरमाली और नागपुरी ये दोनों का देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि देसवाली में प्रभाव पावल जा है, तो देसवाली भी यह खोरठा का एक क्षेत्रीय रूप है, और क्षेत्रीय रूप में विस्तार अगर देखा जाए तो इसमें जो वो चास से लेकर बंगाल की सीमा जो है, चास से लेकर बंगाल की सीमा तक जो है यह जो है वो देसवाली का प्रभाव देखने को मिलता है। खोरठा लिखे में कौन लिपिक प्रयोग करल जा है, तो खोरठा लिखने के लिए जो है वो देवनागरी लिपि का अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति किससे माना जाता है तो खोरठा की उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से जरूर है, लेकिन लिखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि छीका छिकी में प्रभाव पावल जा है, तो दरअसल ये छीका छिकी जो बोला जाता है या संथाल परगनिया जो है, संथाल परगनिया है, इसी को जो है वो छीका छिकी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपको हो सकता है कि ये नाम से भी दे दे, या तो कई बार आपको संथाल परगनिया भी देता है, तो ये दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका प्रभाव जो है वो पावल जा है, तो इसमें जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मैथिली का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा मैथिली। राजा दलेल सिंह के उपनाम बतावा, तो राजा दलेल सिंह का उपनाम क्या था, तो उपनाम जो वो कितने साहित्यकारों के आपके हूबहू जो वो उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे एके झा का उपनाम जो वो झारपात है, ठीक है, एके झा का उपनाम जो वो झारपात है, तो कई बार पूछा जाता है कि झारपात के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखेंगे डॉक्टर एके झा को झारपात के नाम से जाना जाता है। राजा दलेल सिंह का उपनाम बतावा, तो राजा दलेल सिंह को दलसाह के नाम से जाना जाता है, दलसाह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिव सागर के रचनाकार लागत, तो शिव सागर की रचना किसके किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है वो दलेल सिंह के द्वारा, और दलेल सिंह की यह प्रमुख रचना मानी जाती है शिव सागर, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह कहाँ के राजा थे, तो रामगढ़ के राजा थे, कहाँ के राजा थे, तो रामगढ़ के राजा थे। इसके दरबार में कई और भी कई सारे प्रमुख कवि जो है वो रचनाकार भी रहते थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिव सागर जो वो रचना लागे, तो शिव सागर जो वो किस प्रकार की रचना है, शिव सागर की अगर बात करें तो यह किस प्रकार की रचना है, तो यह आपसे सवाल जो वो पूछा गया है कि शिव सागर जो वो किस प्रकार की रचना है। तो अगर पूछा यह देखा जाए तो यह एक महाकाव्य माना जाता है, यह एक महाकाव्य माना जाता है। शिव सागर में कते दोहा और चौपाई पावल जा है, तो शिव सागर में अगर बात करें तो कुल 12,000 दोहा और चौपाई जो वो देखने को मिलता है। तो आप इस आधार पर इसका आइडिया लगा सकते हैं कि जिसमें 12,000 दोहे और चौपाई है, 12,000 दोहे और चौपाई मिला करके हैं, तो वह एक निश्चित ही महाकाव्य ही होगा, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि गोविंद लीलामृत, गोविंद लीलामृत के रचनाकार लागत,
तो गोविंद लीलामृत के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए इसके लेखक कौन है, तो राजा दलेल सिंह के द्वारा ही गोविंद लीलामृत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, राजा दलेल सिंह के द्वारा ही गोविंद लीलामृत की रचना की गई थी। अगला सवाल है कि राजा रहस्य के रचनाकार के लागत, तो राजा रहस्य की रचना भी राजा दलेल सिंह के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हमने देखा शिव सागर, फिर गोविंद लीलामृत, उसके बाद राजा रहस्य, ये सभी रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो राजा दलेल सिंह के द्वारा ही किया गया है। राजा दलेल सिंह के रचना नाम लागे, तो शिव सागर यहाँ पे जो है वो प्रमुख हो जाएगा, क्योंकि सोंध माटी ये तो आप सभी को पता है, ये सब अलग अलग रचना है, जिनकी टो ये अलग है, ये मेघदूत भी अलग है। मेघदूत याद रखेंगे इसकी जो इसका जो वो उपयोग खोठा में जो वो जैसे ट्रांसलेट किया जाता है ना अलग अलग भाषाओं में, तो इसका जो वो ट्रांसलेट किया गया था खोटा में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो राजा दलेल सिंह की रचना का नाम शिव सागर है। श्रीनिवास पानोरी जी की जन्म तिथि बताओ, तो श्रीनिवास पानोरी जी की जन्म तिथि अगर आपसे पूछा जाए तो जन्म तिथि आपको ध्यान में रखना है, 1925 में इनका जो है वो जन्म हुआ था, और आपको याद ही होगा कि इन्हीं के जन्म तिथि के शुभ अवसर पर जो वो खोठा दिवस जो वो मनाया जाता है, तो ये डेट आपको जरूर याद रखना है, ठीक ना, ये डेट आपको जरूर याद रखना है। इसी तारीख को 25 तारीख को ही जो वो खोठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इन्हीं के श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म के आधार पर, तो इनका जन्म जो है वो 1925 में हुआ था इनका जन्म। खोठा के सबसे पुराना कवि नाम बतावा, तो खोठा के सबसे पुराना कवि, अब यहाँ पे पुराना और एक प्रथम ये दोनों में अंतर है ना, जैसे प्रथम हमने देखा था तो राजा दलेल सिंह को देखा था, ठीक है, राजा दलेल सिंह को हमने देखा प्रथम, लेकिन अगर पूछे पुराना कवि इनमें से तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो जाएगा इसका सही आंसर श्रीनिवास पानोरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राजा दलेल सिंह है नहीं ऑप्शन, ऐसे अगर राजा दलेल सिंह ऑप्शन होगा तो सबसे पुराना कवि तो राजा दलेल सिंह को यानी प्रथम जो माना जाता है रचनाकार, लेकिन याद रखेंगे इसमें से अगर पूछा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो श्रीनिवास पानोरी हो जाएगा। बरवा अड्डा अखय बोर कहल जाहे, तो बरवा अड्डा अखय बोर कहल जाहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्रीनिवास पानोरी, श्रीनिवास पानोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानोरी जी के जन्म स्थान बतावा, तो कई लोगों ने इसका इसके बारे में भी हमने पहले इसके बारे में इस ऐसे सवाल को कई बार हम पहले कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हम इस सवाल को कर रहे हैं, जो इस वीडियो सेशन से या जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं निश्चय ही उनको ये सारा सवाल जो वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इन सारे सवालों को पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, है ना, तो इस ये सारा सवाल जो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बरवा अड्डा। बरवा अड्डा अगर बात करें तो यह धनबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है बरवा अड्डा, वहीं पर पानोरी जी का जन्म स्थान बताया गया है। अगला सवाल है कि खोठा के सबसे पुराना साहित्यकार के नाम बतावा, तो खोठा के सबसे पुराना साहित्यकार के नाम यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पानोरी। श्रीनिवास पानोरी सलाहकार सदस्य रहत, तो यह कहाँ के सलाहकार सदस्य के रूप में रहे थे, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया, तो याद रखेंगे रांची विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय के ये सलाहकार सदस्य के रूप में भी रह चुके हैं, जबकि और भी कई ऐसे खोठा के रचनाकार हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपना जो वो कह सकते हैं कि सर्विस दे चुके हैं, और कई ऐसे विद्वान आज भी हैं खोठा के साहित्यकार हैं जो आज भी कई विश्वविद्यालयों में पढ़ा भी रहे हैं। खोठा में मेघदूत का खोठा अनुवाद कौन साले भेल हल है, तो खोठा में सबसे पहले अगर बात करें, खोठा में अगर बात करें कि इनका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा इसका अनुवाद जो वो खोठा में किया गया था। अगर बात करें इसकी अनुवाद, तो इसका अनुवाद कब हुआ था, तो इसका अनुवाद 1968 में हुआ था। यह सवाल जो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल भी है, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या तो इससे पूछा जा सकता है कि इसका अनुवाद के कर ले हत, तो श्रीनिवास पानोरी कर ले हत, कब हुआ था इसका, तो इसका याद रखेंगे 1968 में इसका अनुवाद जो वो किया गया था। तो इस तरह से दोनों सवाल आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मंझियक फार टूट गेले कविता के लिखल हत, तो मंझियक फार टूट गेले यह कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा गया कविता है। श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान पहिल केकरा मिलल रहे, तो सबसे पहले श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, तो यह सही आंसर होगा महेश गोलवार के, महेश गोलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं कि खोठा भीष्म पितामह के नाम बतावा,
तो खोटा भाषा के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? तो याद रखेंगे, यह श्रीनिवास पानुरी जी को खोटा भाषा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनका कई उपनामों से और भी कई ऐसे दिग्गज नाम जैसे नागार्जुन, खोटा भाषा के नागार्जुन, नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कई नामों से जो है वो कह सकते हैं कि कई नामों से, अलग अलग नामों से यह सम्मानित किए गए हैं और कई तरह से इनका जो इनको जो है वो सम्मान दिया गया है। जैसे रामायण के रचयिता हैं, उसी के नाम पर इनका भी उपनाम से जोड़ा गया है। इन्होंने भी कई सारे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने खोटा के क्षेत्र में दिया और एक कह सकते हैं कि खोटा का जो स्तंभ माना जाता है वो श्रीनिवास पानुरी जी को माना जाता है। खोटा भीष्म पितामह के पहिल बोलवैया लागत, यानी खोटा के भाषा के भीष्म पितामह आखिर में किसके द्वारा बोला गया? ये बोला गया है श्रीनिवास पानुरी जी को, तो यह पहली बार किसके द्वारा बोला गया था? तो याद रखेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा ही पहली बार खोटा भाषा के भीष्म पितामह के नाम से श्रीनिवास पानुरी जी को पुकार करके इन्होंने बात किया था। श्रीनिवास पानुरी के नाटक का नाम बतावा, इन्होंने कौन सी नाटक जो वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चाभी काठी, चाभी काठी हो जाएगा, यहाँ पे चाभी काठी होगा, चाभी काठी इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह अगर बात करें तो यह सुकुमार की है, सुकुमार के द्वारा लिखा गया, सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला सवाल है कि उद्वासल कर्ण नाटक लिखवैया का नाम बतावा, उद्वासल कर्ण की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया, यह जो नाटक लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया? तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ही उद्वासल कर्ण नाटक लिखा गया है। उद्वासल कर्ण के अर्थ बतावा, तो उद्वासल कर्ण का अर्थ होता है उपेक्षित कर्ण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उपेक्षित कर्ण इसका सही आंसर होगा। श्रीनिवास पानुरी के पहल नाटक के नाम बतावा, इनके द्वारा लिखा गया पहला नाटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा उद्वासल कर्ण, उद्वासल कर्ण जो है इनकी पहली नाटक माना जाता है श्रीनिवास पानुरी जी का। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी के बाल किरण प्रकाशित भेल रहे, तो याद रखेंगे इनका पहला जो बाल किरण प्रकाशित भेल रहे, श्रीनिवास पानुरी के बाल प्रकाशन बाल किरण जो वो प्रकाशित हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1956 में। बाल किरण के लिखल हत, तो बाल किरण किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल किरण जो लिखा गया है वह श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया रचना है। बरवा अड्डा अखय बोर की लागे, तो बरवा अड्डा अखय बोर की लागे, तो इसके बारे में आप सभी को पढ़ना भी है, जे एस एस सी सी जी एल के ये सारे सिलेबस में आपको मिल जाएंगे, ये जे एस एस सी सी जी एल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये सेशन जो है वो वीडियो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जे एस एस सी के जितने भी एग्जाम होंगे और खोटा उसमें अगर पढ़ना है तो यहाँ से आपको निश्चय ही कम से कम 8 से 10 सवाल आज के इस वीडियो सेशन से आपको हू बहु सवाल देखने को मिलेगा। एक बार इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लेंगे, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देंगे, डेफिनेटली आपको 8 से 10 सवाल ऐसे होंगे जो यहाँ से आपको इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। अगर आपको 8 से 10 सवाल नहीं मिला तो फिर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपने पढ़ाया था और वहाँ से सवाल जो है वो नहीं पूछा गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ से आपको कम से कम 8 से 10 सवाल हू बहू देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, तो यहाँ से पूछा गया कि बरवा अड्डा अखय बोर की लागे, तो याद रखेंगे यह एक यात्रा संस्मरण है। क्या है? यह एक यात्रा संस्मरण है। तो अगर पूछा जाए कि इसकी रचना जो वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे इसकी रचना जो वो शांति भारत के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो बरवा अड्डा अखय बोर की लागे, तो यह एक यात्रा संस्मरण लगे, और बरवा अड्डा अखय बोर की रचना के लागे रचना के कर ले है, तो रचना इसके द्वारा शांति भारत के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि खोटा साहित्य के पुरोधा पानुरी जी रचना लागे, तो खोटा साहित्य के पुरोधा पानुरी जी यह रचना जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? दरअसल यह पानुरी जी के ऊपर लिखा गया, यह एक खोटा साहित्य के ऊपर यह लिखी गई रचना है, और इसे जो लिखा है वो है विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज इन्हीं के द्वारा पहली बार जो है, आप सभी को पता है कि इनको इन्होंने ही सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी जी को अलग अलग उपनामों से इन्होंने जो वो पुकारा था, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और खोटा साहित्य के पुरोधा पानुरी जी की रचना भी विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा ही किया गया था। खोटा साहित्य के पुरोधा पानुरी जी की लागे, तो यह किस प्रकार की रचना है? तो याद रखेंगे यह एक यात्रा संस्मरण है, यह भी एक क्या है, यात्रा संस्मरण है। पानुरी स्मृति दिवस मनवल जा है,
तो पानुरी स्मृति दिवस, आप याद रखेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। यहाँ पे दो चीज़ हो गया, एक हो गया स्मृति दिवस और एक हो गया खोठा दिवस, जो उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 7 अक्टूबर। ये डेट आप सभी को पता होगा, 7 अक्टूबर 1986, 7 अक्टूबर 1986 इनका निधन हुआ था, श्रीनिवास पानुरी जी का। तो 7 अक्टूबर को पानुरी स्मृति दिवस मनाया जाता है, जबकि खोरठा दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों सवाल में आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रामकथामृत लिखवैया के नाम बतावा, तो रामकथामृत को रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो यह सही आंसर होगा श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ही रामकथामृत जो है वो लिखा गया था। श्रीनिवास पानुरी के लिखल कविता लागे, तो इसमें से कविता के बारे में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कविता जो है वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है, तो हामिन सब एक यानी हम लोग जो है वो सब एक हैं, इसकी रचना यह एक कविता है जिसको लिखा है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। चाबी काठी नाटक कौन साल दोबारा प्रकाशित भेल रहे, तो चाबी काठी की अगर बात करें तो यह लिखा गया श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ही नाटक है, और इसकी जो दूसरा दोबारा बार जो प्रकाशित हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, तो 2006 में यह दोबारा प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तितकी पत्रिका के पहल संपादक लागत, तो तितकी पत्रिका के पहल संपादक अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया था, पहली बार संपादक जो वो यही थे। तितकी पत्रिका पहल कौन साल प्रकाशित भेल रहे, तो पहली बार तितकी पत्रिका जो है वह किस साल प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1951 में। 1951 में पहली बार इसका जो वो प्रकाशन हुआ था, और प्रकाशन जो हुआ था उस समय इसके पहले जो संपादक थे वो कौन थे, तो श्रीनिवास पानुरी थे। खोठा साहित्य के जनक के नाम बतावा, तो खोठा साहित्य के जनक के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो श्रीनिवास पानुरी जी को। यानी कह सकते हैं कि एक मुख्य रूप से अगर कहीं कोई घर अगर खड़ा है, कोई मान लेते हैं कि अगर छत खड़ा है तो उसका जो मेन मजबूत स्तंभ है वो स्तंभ को आप मान सकते हैं, यानी उसका बेस मान सकते हैं, तो वो है खोठा का बेस जो माना जाता है वो श्रीनिवास पानुरी जी को माना जाता है। ये आप इस तरह से आप याद रखेंगे, पानुरी जी को खोठा का स्तंभ माना जाता है, इसलिए कई अलग अलग उपनामों से इनको जाना जाता है। तो खोठा साहित्य के जनक का उपनाम हो गया श्रीनिवास पानुरी। खोठा साहित्य परिषद के गठन भेल रहे, तो खोठा साहित्य परिषद या एक कह सकते हैं कि प्रकाशक है जो इसकी स्थापना जो किया गया था, इसका गठन जो हुआ था वह किस वर्ष किया गया था, तो इसका आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा 1991 में। तो खोठा साहित्य परिषद जो इसका गठन जो हुआ था 1991 में इसका गठन हुआ था। अगला सवाल है कि मातृभाषा खोरठा पत्रिका के प्रकाशन बच्चर बतावा, तो मातृभाषा खोरठा भाषा पत्रिका जो इसका प्रकाशन हुआ था वह किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1957 में। 1957 में मातृभाषा खोरठा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। पानुरी जी की रचना लागे, उद्वासल कर्ण, मेघदूत और दिव्य ज्योति, तो अभी हमने पढ़ा उद्वासल कर्ण, तो हमने पढ़ा यह एक प्रमुख इनकी रचना है, और मेघदूत का भी इन्होंने जो खोरठा में अनुवाद किया था वो पानुरी जी के द्वारा, तो दो अगर सही हो गया तो तीसरा तो ऐसे भी होगा, तो दिव्य ज्योति भी हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो याद रखेंगे पानुरी जी के द्वारा ही मेघदूत की भी अनुवाद जो है वो खोरठा में इन्हीं के द्वारा किया गया था, उद्वासल कर्ण इसके द्वारा लिखा गया, और दिव्य ज्योति, ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। हम सब एक कविता लागे, तो हम सब एक अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पानुरी जी का यह प्रमुख कविता माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पानुरी जी। झारपात केकर उपनाम लगे, तो एके झा को झारपात के उपनाम से जाना जाता है, जो पहले हमने बात कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। कविता पुराण के लिखवैया का नाम बतावा, तो कविता पुराण के लिखवैया का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि कविता पुराण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो एके झा के द्वारा ही कविता पुराण को लिखा गया है। कविता पुराण में कई गो कविता है, तो कविता पुराण में कविताओं की संख्या टोटल 27 है। कितना है, कविता पुराण में कविताओं की संख्या 27 है, याद रखना है। इसका आंसर आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये संख्या आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे सवाल और भी कई बार जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। खोठा काठे पैदे खंडी के लिखल हत, तो खोठा काठे पैदे खंडी के लिखल हत, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए के झा। खोठा काठे पैदे खंडी पहल प्रकाशन बतावा, तो इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था 1984 ईस्वी में किया गया था। खोठा काठे पैदे खंडी का पहला प्रकाशन 1984 ईस्वी में हुआ था।
इसकी अगर दूसरा प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए, इसका दूसरा प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए तो 2012 आपको याद रखना है, पहला 1984 और दूसरा 2012। खोटा काठे पैदेक खंडी किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर ए के झा के द्वारा यह लिखा गया है, खोटा काठे पैदेक खंडी। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि खोटा काठे पैदेक खंडी के प्रकाशक बतावा। प्रकाशक क्या होता है, प्रकाशन क्या होता है, ये दोनों चीज़, और संपादक क्या होता है। तो संपादक जो किसी भी पत्रिका को अगर जिसके द्वारा संपादन किया जाता है, यही जो भी उसको मेन सारा चीज़ जो मैनेज किया जाता है उसको संपादक कहा जाता है। प्रकाशन क्या होगा, जिस वर्ष उसे प्रकाशित किया जाता है, और प्रकाशक क्या हो गया, जहाँ से उसे प्रकाशित किया जाता है। ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर पूछा जाए कि खोटा काठे पैदे खंडी का प्रकाशक कौन था, तो ये था झारखंड झरोखा, झारखंड झरोखा इसका जो वो प्रकाशक है। मेका मेकी ना मेटमाट रचना लागे, तो मेका मेकी ना मेटमाट यह किस प्रकार की रचना है, यह नाटक है, उपन्यास है, व्याकरण है, या फिर यात्रा संस्मरण है। इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और दरअसल एक्चुअल में एग्जाम में जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर के ही सवाल पूछे जाएंगे। आपके 10 ही ऐसे सवाल होंगे जो थोड़ा डिटेल में जाएगा, और नहीं तो लगभग सवाल जो होते हैं वो डायरेक्टली आपसे सिंपल वे में पूछ लिया जाता है। तो यह जो वो क्या है, यह एक नाटक है, यह एक क्या है, नाटक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेका मेकी ना मेट माट यह किसके द्वारा लिखा गया रचना है, तो यह सही आंसर होगा अजीत कुमार झा यानी ए के झा के द्वारा लिखा गया है मेका मेकी ना मेट माट। इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें कुल कितने खंड है, अगर पूछा जाए कि मेका मेकी ना मेट माट में कुल कितने खंड है, तो इसमें 4 गो खंड है। कितना खंड है, 4 गो खंड है। तो मेका मेकी ना मेट माट से आपको 3 चीज़ें याद रखना है, यह किस प्रकार की रचना है, तो यह नाटक है। इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो अजीत कुमार झा के द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कितना कई गो खंड है, तो 4 गो खंड इसमें है। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। खोटा लोक कथा किताब के संपादक के नाम बतावा, तो खोटा लोक कथा किताब के संपादक के नाम बतावा, तो खोटा लोक कथा के संपादक अगर आपसे पूछा जाए तो ए के झा इसका सही आंसर हो जाएगा। जिंदगी टोह के लिखल हत, तो जिंदगी टोह अगर बात करें तो यह चित्रंजन मातो के द्वारा लिखा गया है, और इनका उपनाम है चित्रा, चित्रंजन मातो चित्रा के उपनाम से जाने जाते हैं, चित्रंजन मातो चित्रा इन्हीं की पहली रचना कह सकते हैं कि माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा जिंदगी टोह। यह काफ़ी ज़्यादा प्रमुख रचना मानी जाती है चित्रंजन मातो चित्रा के द्वारा, इसलिए इसको आप जरूर याद रखेंगे। जिंदगी टोह का मतलब आखिर में होता क्या है, इसके बारे में याद रखेंगे। जिंदगी खोजना यानी जिंदगी खोजना, इसके बारे में टोह का अर्थ होता है खोजना, टोह का अर्थ होता है खोजना, और जिंदगी का जिंदगी यानी जिंदगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जिंदगी टोह कैसन रचना लागे, तो जिंदगी टोह जो वो किस प्रकार की रचना है, यात्रा वृतांत है, नाटक है, कहानी है, या फिर उपन्यास है। तो याद रखेंगे यह एक उपन्यास है जो चित्रंजन महतो चित्रा की प्रमुख उपन्यासों में से एक माना जाता है, और साथ ही साथ झारखंड में यह जो वो एक प्रमुख उपन्यास के रूप में माना जाता है जिंदगी टोह, जिसकी रचना चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा किया गया है। जिंदगी टोह के प्रमुख नायक लागे, तो इसके प्रमुख नायक अगर देखा जाए तो इसमें राजेश जो इसकी प्रमुख जो वो नायक माने जाते हैं। जिंदगी टोह के प्रमुख नायिका का नाम बतावना है, तो इसकी प्रमुख नायिका हो जाएगा सबिता, सविता इसकी प्रमुख नायिका हो जाएगा। नायक पूछे तो राजेश, या किस प्रकार की रचना है तो उपन्यास, या किसके द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा गया है चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा। जिंदगी टोह का अर्थ होता है जिंदगी खोजना। अगला सवाल देख लेते हैं, खोजना खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण के लिखल हत, तो खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण इसको जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे ए के झा के द्वारा खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण लिखा गया है। खोटा काठे पैदे खंडी के लिखल हत, तो इसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए के झा के द्वारा खोटा काठे पैदे खंडी लिखा गया है। तातल और हेमाल के लिखवैया के लागत, तो तातल और हेमाल के लिखवैया अगर आपसे पूछा जाए तो यह शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना है। इसमें कई गो कविता है, अगर आपसे पूछा जाए कि तातल और हेमाल में कई गो रचना है, तो इसमें टोटल 25 कविता इसमें शामिल किया गया है। तातल और हेमाल यह कह सकते हैं एक कविता संग्रह है, जिसमें टोटल 25 कविताओं को इसमें शामिल या संग्रहित किया गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 25। तातल का अर्थ क्या होता है, तो तातल और हेमाल ये सभी को लगभग लोगों को पता ही होगा, है ना।
तातल और हिमाल, अगर आपसे पूछा जाए कि तातल का अर्थ क्या होता है, तो गर्म होता है, और हिमाल का अर्थ होता है ठंडा। तो याद रखेंगे ये दोनों चीज़ों को। आपसे हो सकता है कि सवाल ग्रामर में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि तातल का अर्थ होता है, या तातल का पर्यायवाची होता है, या इसका विलोम क्या होता है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि तातल का विलोम क्या हो जाएगा, तो हिमाल हो जाएगा। तातल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। हिमाल का, हिमाल को ए ठंडा कहते हैं, है ना, इसको याद रखेंगे इसका। या तो फिर कनकन भी कई बार पूछा जाता है कि कनकन का अर्थ क्या होता है, तो कनकन मतलब ही ठंडा ही होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विनोद कुमार कहाँ के रवैया लागत, तो विनोद कुमार जो वो या कहाँ के रवैया है, तो हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे हजारीबाग से संबंधित इनका माना जाता है। सोंध माटी संग्रह लागत, तो सोंध माटी जो है वो किस प्रकार की रचना है, तो यह एक कहानी संग्रह है, याद रखेंगे यह एक कहानी संग्रह है। और इसमें टोटल अगर पूछा जाए कि इसमें कुल कितनी कहानियों को पढ़ना है, तो इसमें अगर बात करें तो टोटल 10 कहानी आपको पढ़ना है, किसमें, सोंध माटी में। तो सोंध माटी की रचना किसके द्वारा किया गया है, सोंध माटी जो वो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। सोंध माटी में कुल कितनी कहानी संग्रह है, तो इसमें टोटल 10 कहानी आपको पढ़ना है। वो कहानी एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि जे एस एस सी सी जी एल में ये आपका सिलेबस पढ़ना भी है, तो इसलिए एक बार फिर से हम इसके सारे कहानी को एक बार हम बोल देते हैं। जैसे उबार, जिनकी डोवानी, धुआं धंधा, माय के लोर, अजवायर भौजिक, बड़ैल चेंगा, दू पहला जोंडरा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर पहर और हूब। अगर पूछा जाए कि सोंध माटी की पहली कहानी कौन सी है, तो उबार, इसकी पहली कहानी हो जाएगा उबार, और अंतिम कहानी अगर आपसे पूछा जाए तो हूब। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल अगर बात करें तो कई तरह से घुमा फिरा करके किसी तरह से भी पूछा जाता है, लेकिन इतना चीज़ अगर आप किसी भी रचना के बारे में अगर आप याद रख लेते हैं, तो यहाँ से सवाल एक्स्ट्रा आपको कहीं से नहीं पूछा जाता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। सवाल जो वो इसी के इर्द गिर्द से घुमा फिरा के थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें चेंज करके, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल करके पूछा जाता है, लेकिन इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे पक्का। अगला सवाल है कि विनोद कुमार के कहानी संग्रह के नाम बतावा, तो विनोद कुमार के कहानी संग्रह का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी कहानी संग्रह जो है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा सोंध माटी। दू पहला जोंडरा लेखक के नाम बतावा, तो दू पहला जोंडरा अभी हमने चर्चा किया कि दू पहला जोंडरा जो है वह सोंध माटी कहानी संग्रह का ही पार्ट है, और यह जो आता है उसी के संबंधित है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी विनोद कुमार के द्वारा। बोनेक डाक लेखक के नाम बतावा, बोनेक डाक इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार, यानी बोनेक लोर इसमें पढ़ना है, माय के लोर पढ़ना है, ठीक है। और बोनेक डाक अगर पूछा जाए कि बोनेक डाक लेखक के नाम बतावा, तो विनोद कुमार इसका भी सही आंसर हो जाएगा। खूब, अभी हमने बात किया कि यह जो है वो इसकी अंतिम कहानी जो है वो माना जाता है, सोंध माटी की अंतिम कहानी जो है वो खूब ही है, और इसको भी किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है विनोद कुमार के द्वारा। खूब का अर्थ क्या होता है, क्योंकि खोरठा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो इसके शब्दावली या उसका वास्तविक अर्थ हमको नहीं पता होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हुब का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो हुब का अर्थ बतावा, तो याद रखेंगे हुब का वास्तविक अर्थ होता है ताकत, तो याद रखेंगे हुब का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो वास्तविक अर्थ होता है ताकत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मलकी बहू कहानी के लेखक के नाम बतावा, मलकी बहू, तो मलकी बहू अगर बात करें तो यह भी सोंध माटी का ही कहानी संग्रह से संबंधित है, तो इसके भी लेखक कौन होंगे, तो विनोद कुमार होंगे। सोंध माटी में कई को कहानी संग्रह है, तो अभी हमने बात किया, इसमें टोटल याद रखेंगे 10 कहानी है, इसमें टोटल कितनी कहानी है, तो 10 कहानी इसमें शामिल है, तो याद रखेंगे इसमें टोटल कहानी कितना है, तो इसमें टोटल 10 कहानी है, आपको याद रखना है इसमें टोटल 10 कहानी जो वो आपको पढ़ रहा है। अगला सवाल है कि बड़ैल चेंगा के अर्थ बतावा, बड़ैल चेंगा मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ बच्चा, है ना, बड़ैल का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ बच्चा, तो अजवायर भौजिक बड़ैल चेंगा यह कहानी इससे संबंधित है, जिसमें बड़ैल चेंगा का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ बच्चा। उबार जिंदगी कहानी लेखक के नाम बतावा, तो उबार जिंदगी या उबार जो है वो यह कहानी जो लिखा गया है यह विनोद कुमार के द्वारा ही लिखा गया कहानी संग्रह है। विनोद कुमार के लिखल कहानी हक है, तो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया कहानी जैसे है धुआं धंधा और दो आनी, तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे जिनकी डोवानी और धुआं धंधा, ये दोनों जो कहानी है यह लिखा गया है विनोद कुमार के द्वारा।
थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये आपको ध्यान में रखना है। धुआं धंधा और जिंदगी डोवानी, ये दोनों जो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, कहानी है। सोंध माटी कहाँ से प्रकाशित भेल है, तो सोंध माटी अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रकाशन जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो सोंध माटी का प्रकाशन अगर बात करें तो यह जनभाषा अकादमी बिहार सरकार रांची। अब यह आप सभी को पता है कि 2000 के पहले जितनी भी प्रकाशन हुआ है, जो भी कहानी हो, कविता हो, जो भी चीज़ हो, नाटक हो, जिसका भी प्रकाशन 2000 से पहले हुआ है वो कहीं ना कहीं बिहार का भाग था। इसलिए आप बिहार इसमें देखेंगे तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 2015 नवंबर 2000 के बाद हमारा झारखंड राज्य अलग होता है, उसके पहले तो कहीं ना कहीं हम बिहार से ही संबंधित था। हालांकि ये स्थान रांची में है, ये जनभाषा अकादमी है रांची में, लेकिन उस समय पाठ जो होता थे, हम लोग पाठ होते थे, वो बिहार के पाठ थे, इसलिए आपको याद रखना है। माय के लोर कौन किताबें कहानी हक है, तो माय के लोर अभी हमने बात किया सोंध माटी की, यह कहानी है सोंध माटी में। टोटल 10 कहानियों में से एक ये भी आता है माय के लोर। धुआं और धंधा कौन किताबें कहानी लगे, तो ये भी सोंध माटी से संबंधित है। खोरठा लोक कथा के लेखक के नाम बतावा, तो खोरठा लोक कथा के अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लेखक का नाम बताना है, तो एके झा के द्वारा खोरठा लोक कथा को लिखा गया। खोरठा लोक कथा के प्रकाशक का नाम बताना है, यह जो प्रकाशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो झारखंड झरोखा रातू रोड रांची में स्थित है, यहाँ से इसका प्रकाशन जो वो हुआ था। एके झा जी कई को किताब लिखल है, तो एके झा ने कुल कितने किताब जो वो लिखा है, तो इसके द्वारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20। टोटल 20 इन्होंने किताब जो वो लिखा है। छंद रस अलंकार के लेखक के नाम बतावा, तो छंद रस अलंकार के लेखक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा एके झा, यानी अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा के द्वारा ही छंद रस अलंकार को लिखा गया है। सैर सगरट की लागे, तो सैर सगरठ की अगर बात करें तो यह एक प्रमुख उपन्यास है, यह एक प्रमुख उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। झा जी उपन्यास के नाम बतावा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एके झा जी के उपन्यास इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे सैर सगरठ जो अभी हमने बात किया, सैर सगरठ यह एक प्रमुख उपन्यास है, यह एके झा जी के द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है। कविता पुराण के साहित्यकार हक है, तो कविता पुराण के साहित्यकार की अगर बात करें तो एके झा के द्वारा ही कविता पुराण जो वो लिखा गया है। अगला सवाल फिर से है कि अजीत कुमार झा के बाल साहित्य के नाम बतावा, तो अजीत कुमार झा के द्वारा बाल साहित्य जिसको लिखा गया है उसका नाम आपसे पूछा गया कि यह सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे कविता पुराण जो है यह एक बाल साहित्य, हो सकता है घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछा जाए कविता पुराण जो वो किस प्रकार का साहित्य विधा है, तो यह एक बाल साहित्य है जिसके लेखक हैं एके झा यानी अजीत कुमार झा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अजीत कुमार झा के द्वारा ही लिखा गया है कविता पुराण और यह एक बाल साहित्य है। अगला सवाल है कि बंसीलाल बंसी के लिखल कहानी के नाम बतावा, तो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया जो कहानी है उसका सही आंसर होगा रईस्का। रईस्का जो लिखा गया है वह बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियों में से एक माना जाता है, ये भी आपको याद रखेंगे, और यह काफ़ी चर्चित कहानी जो वो माना जाता है। रईस्का के अर्थ के माने बतावा, तो रईस्का का सिंपल अर्थ होता है नाच गान में जो मगन होता है, यानी रईस्का उसी को बोला जाता है ना, कि वो बहुत रईस्का है, यानी नाच गान में जो मगन होता है, थोड़ा सा मृदंग वाद यंत्र में थोड़ा मगन ज़्यादा होता है, उसी को रईस्का कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि सवाल इसमें ज़्यादा है इसलिए थोड़ा हो सकता है कि आपको तेज लगे, तो आप इस वीडियो को स्लो कर सकते हैं बाद में, और स्लो करके आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज़्यादा टाइम ना हो, नहीं तो सवाल क्या कि एक सवाल को हम थोड़ा धीरे धीरे भी बोल करके हम इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारा है सीखना, चाहे वो धीरे सीखें या जल्दी सीखें, तो हम क्यों टाइम खराब करें, कोशिश करते हैं कि हम जल्दी थोड़ा सा उसको कवर करते चलें। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि माटिक मैल धोबा रे कविता कवि के नाम बतावा, तो माटिक मैल धोबा रे यह कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये इसके कवि जो थे वो बंसीलाल बंसी थे। बंसीलाल बंसी के द्वारा ही माटिक मैल धोबा रे यह कविता जो वो लिखा गया। बंसीलाल बंसी के जन्म बच्चर बतावा, तो बंसीलाल बंसी के जन्म वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म 1954 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में, तो बोकारो जिले में इनका जन्म हुआ था 1954 ईस्वी में। बंसीलाल बंसी, इनका वंशी जो वो उपनाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
डिंडक डोवानी काव्य के लिखवैया का नाम बतावा। तो डिंडक डोवानी यह जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह बंसीलाल वंशी के द्वारा ही लिखा गया है डिंडक डोवानी। यह काव्य के लिखवैया कौन है, तो बंसीलाल वंशी। यह किस प्रकार की काव्य है, अगर आपसे पूछा जाए यह किस प्रकार की काव्य है, तो यह एक प्रबंध काव्य है, यह एक प्रकार का प्रबंध काव्य माना जाता है डिंडक डोवानी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल कितने खंड है, डिंडक डोवानी में कुल कितने खंड है, तो इसमें टोटल 6 खंड है। इसमें कितने खंड है, तो 6 खंडों में बटा हुआ है डिंडक डोवानी। यह एक प्रबंध काव्य है और वंशीलाल वंशी के द्वारा लिखा गया है। वंशीलाल वंशी कहाँ नौकरी कर हलत। तो बंसीलाल वंशी जो वो कहाँ पर नौकरी करते थे, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। यह सवाल होगा बोकारो इस्पात कारखाना था, वहीं पे बंसीलाल वंशी जो है वो नौकरी करते थे। और कई सारे महत्वपूर्ण रचना इन्होंने की है खोटा के क्षेत्र में। बंसीलाल वंशी के बाप का नाम बतावा, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम मोतीलाल साहू था। याद रखेंगे बंसीलाल वंशी के पिताजी का नाम मोतीलाल साहू था। अगला सवाल है कि चासा कहानी लिखवैया के नाम बतावा। तो चासा कहानी जो है इसके लिखवैया आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लिखवैया कौन है, तो इसका भी सही आंसर आपका हो जाएगा वंशीलाल वंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा चासा जो है वो कहानी लिखा गया है। यह भी कई बार पूछा गया कि चासा जो है वो क्या है, तो यह एक कहानी है और इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो वंशीलाल वंशी के द्वारा लिखा गया है। खोटा दर्पण लिखवैया का नाम बतावा। खोटा दर्पण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो खोटा दर्पण वंशीलाल वंशी के द्वारा ही लिखा गया है खोटा दर्पण। वंशीलाल वंशी को कहाँ काव्य भूषण उपाधि देल गेल रहे, तो इनको जो है वो कहाँ पर काव्य भूषण उपाधि जो है वो दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर में वंशीलाल वंशी को काव्य भूषण उपाधि दी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नीम कविता कवि के नाम बतावा। नीम कविता, तो सबसे पहले आपको याद रखना नीम जो है यह एक कविता संग्रह है, यह एक कविता है और इसको जो लिखा गया है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है नीम। तो नीम कविता अगर पूछा जाए कि इसके द्वारा लिखा गया, तो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेजे पढ़ावहत, तो डॉक्टर विनोद कुमार की अगर बात करें तो यह रांची कॉलेज रांची में यह पढ़ाते हैं। तो याद रखेंगे यह पढ़ावा है कहाँ पे, तो रांची कॉलेज रांची में विनोद कुमार के मानल जाहे। तो कवि और लेखक अगर पूछा जाए कि विनोद कुमार को क्या माना जाता है, तो कवि के साथ साथ इनको एक प्रमुख लेखक के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों। खोठा में बुझावल को के कहल जाहे, तो खोठा में बुझावल के की कहल जाहे, जन कहानी है ना, तो याद रखेंगे खोठा में बुझावल को क्या कहा जाता है, तो जन कहानी के नाम से जाना जाता है। खोठा में पहेली के की कहल जाए, तो खोठा में पहेली के जन कहानी भी कहल जाए। पहेली या फिर बुझावल एक ही चीज़ है, दोनों लगभग एक ही चीज़ है, आप याद रखेंगे इसको जन कहानी के नाम से जाना जाता है। खोठा में बुझावल के दोसर नाम की लागे, तो खोठा में बुझावल के नाम दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो यह हो जाएगा पहेली या फिर बुझावल, ये दोनों एक ही नाम है, याद रखेंगे दोनों लगभग सेम ही है। हरा बदिया के अर्थ बतावा, तो हरा बदिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर होता है बुझावल। तो आप देखिए एक ही चीज़ का कई अलग अलग नाम है, तो एक चीज़ को आप याद रखेंगे, चाहे वो आपका बुझावल पूछे, पहेली पूछे, ठीक है, हरा बदिया पूछे, ये सभी जो वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है। ये आपको या तो जन कहानी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जन कहानी बुझावल, पहेली, हरा बदिया, ये सभी जो वो किसका नाम है, तो सब एक ही नाम है। लोक कथा के कहल जाए, तो लोक कथा को जो वो खोरठा में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि लोक कथा के कहल जाए, तो लोक कथा को क्या कहते हैं, तो लोक कथा को सुन कहानी कहा जाता है। अब लोक कथा है क्या, ये चीज आपको याद रखना होगा कि लोक कथा आखिर में होता क्या है। तो लोक कथा और लोकगीत, ये दोनों चीज में अंतर होता है। जैसे किसी के जिस चीज को हमने लिख दिया और उसके रचनाकार के बारे में हमको नहीं पता है, तो वो तो लोकगीत हो गया। लेकिन लोक कथा वैसे कथा को कहा जाता है, वैसे को कहा जाता है, इसको सुन कहानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कह सकते हैं कि प्राचीन काल से चला आ रहा है ना। सुन कहानी, जैसे हमारे दादा दादी जो हमें कहानी सुनाया करते थे, वो कहीं ना कहीं उसके ये तो नहीं पता कि कब लिखाया गया और कब कैसे क्या लिखाया गया, लेकिन वह काफ़ी प्राचीन काल से वो चला आ रहा है।
तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। तो याद रखेंगे लोक कथा जो प्राचीन काल से जो चली आ रही है, जो सुन कहने के रूप में हम लोग सुनते हैं, उसी को लोक कथा कहते हैं। और लोकगीत वैसे गीत को कहते हैं जिसके रचनाकार के बारे में पता नहीं चलता है, उसे लोकगीत कहते हैं। ये दोनों चीज में आप अंतर याद रखेंगे। विनोद कुमार कौन भाषा पढ़ावा हत? तो विनोद कुमार स्वाभाविक बात है, अगर हम बात कर रहे हैं खोरठा की तो खोरठा भाषा ही पढ़ाएंगे, तो खोरठा भाषा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर कुमारी शशि कौन कॉलेज है व्याख्याता हत? तो कुमारी शशि की अगर बात करें तो यह रांची महिला कॉलेज रांची, यह रांची महिला कॉलेज रांची में व्याख्याता यानी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। प्रोफेसर कुमारी शशि कहानी का नाम बतावा, तो इनकी प्रमुख कहानी जो है वो है बेटी दौबा। बेटी दौबा इनकी प्रमुख कहानी जो है वो लिखा गया है। खोरठा व्याख्याता के नाम बतावा, तो खोरठा व्याख्याता के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर कुमारी शशि, डॉक्टर कुमारी शशि इसका सही आंसर हो जाएगा। खोरठा व्याख्याता के नाम बतावा, तो यहाँ पे विनोद कुमार और कुमारी शशि, विनोद कुमार रांची कॉलेज रांची और ये कुमारी शशि जो वो रांची विमेंस कॉलेज रांची, ये दोनों व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं रांची में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। आगे चलते हैं रक्ते भिंजल पंखा यह जो वो किसके द्वारा लिखा गया, प्रमुख कह सकते हैं कि माना जाता है या किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी श्रीनिवास पांडुरे जी के द्वारा यह लिखी गई प्रमुख रचना मानी जाती है। तो याद रखेंगे पांडुरे जी लिखवैया के नामे विख्यात हत। तो पांडुरे जी किस प्रकार के जो वो किसी प्रकार के जो लिखते थे वो किस तरह के काव्य लिखते थे, कविता नाटक या फिर गीत? तो याद रखेंगे यह तीनों प्रकार की रचना जो वो करते थे, पांडुरे जी जो थे वो तीनों प्रकार की रचना इन्होंने की है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त तीनों। श्रीनिवास पांडुरे के लिखवैया नामे विख्यात हत, तो कहानी लेख प्रबंध काव्य, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी तीनों। ये लेख भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, प्रबंध काव्य भी लिखते थे, कविता भी इन्होंने लिखी है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख रचना इन्होंने की है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों। खोरठा भाषा में गद्य लिखे प्रारंभ भेल, तो खोरठा भाषा में गद्य लिखने के प्रारंभ जो हुआ था वह हुआ नाटक से। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नाटक। दीदी जी कहानी के लेखक के हत, तो दीदी जी कहानी के लेखक जो है वो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पंचम महतो। पंचम महतो के द्वारा ही दीदी जी कहानी जो है वो लिखा गया है, यह भी कहानी कई बार पूछा गया है। दीदी जी के नाम बतावा, तो कहानी में जो दीदी जी जिसके बारे में इस कहानी में बताया गया है उस पात्र में दीदी जी का जो नाम है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा फुलमणि यानी ऑप्शन नंबर बी यानी फुलमणि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीदी जी कौन किताब से लेल गेल है, तो दीदी जी जो है वो किस किताब से लिया गया है, तो दीदी जी जो लिया गया है वह लिया गया है फरीश डहर से लिया गया है, या जो लिखा गया है दीदी जी कौन किताब से लेल गेल है, तो यह फरीश डहर से लिया गया है। दीदी जी विख्यात कैसे भेल, तो दीदी जी विख्यात होने का कारण था यह एक समाज सेविका थी, इसलिए दीदी जी वो जो है एयर ये इसका नाम जो था दीदी जी का नाम क्या था, फुलमणि था। और यह कौन किताब से लिया गया, तो फरीश डहर से। और यह विख्यात कैसे भेल, तो यह एक समाज सेविका के रूप में कार्यरत थे जिसके कारण से यह प्रमुख रूप से जो वो विख्यात हुए। पंचम महतो के जन्म स्थान बतावा, तो पंचम महतो का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो पंचम महतो का जन्म माराफारी बुकारो में इनका जन्म हुआ था। और इसका जन्म तिथि अगर आपसे पूछा, जन्म ईस्वी पूछा जाए कि इनका पंचम महतो का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो 1949 में इनका जन्म हुआ था माराफारी बुकारो में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचम महतो का जन्म कहाँ हुआ था, तो माराफारी बुकारो कब हुआ था, तो 1949 में। फरीश डहर सिलेबस में शामिल करल गेल है, तो फरीश डहर जो वो किस क्लास के सिलेबस में जो वो शामिल किया गया है ये आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इंटरमीडिएट। जो इंटर का सिलेबस है खोरठा का उसमें जो वो शामिल किया गया है फरीश डहर को, तो ये आपको याद रखना है। डायन कहानी के लेखक के नाम बतावा, तो डायन कहानी के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा पंचम महतो। रकत बारी रहनी कौन किताब से लेल गेल है, रकत बारी रहनी कौन किताब से लेल गेल है, तो इसका सही आंसर होगा फरीश डहर से रकत बारी रहनी लिया गया है। अगला सवाल है कि भग जोगनी उपन्यास लिखवैया का नाम बतावा, तो भग जोगनी जो वो उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो भग जोगनी जो लिखा गया यह किसके द्वारा, तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है।
विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बच्छर बतावा। तो विश्वनाथ दसौंधी राज की अगर बात करें कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो इनका जन्म सबसे पहले आपको याद रखना है 1943 में इनका जन्म हुआ था, 1943 में कहाँ पे, और इनके पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम, ये चलिए हम सारी चीज़ को एक एक करके हम सभी चीज़ों को देख लेते हैं तो यहाँ से सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1943 में। कहाँ पे हुआ था, तो कतरास में इनका जो वो जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कतरास में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो मुखराम दसौंधी इनके पिताजी का नाम था। 1943 में इनका जन्म हुआ और कतरास में इनका जन्म जो वो जन्म स्थान माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका निधन जो है वो किस वर्ष हुआ, तो विश्वनाथ दसौंधी राज का निधन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका सही आंसर होगा 2009 में। तो दोनों चीज़ याद रखना है, 1943 याद रखना है और 2009, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। कतरास में इनका जन्म होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। अजगर रचना लागय, तो अजगर रचना किस प्रकार की रचना है, तो आप सभी को पता है यह नाटक आपको पढ़ना भी है अजगर, तो यह अजगर नाटक एक नाटक है, तो याद रखेंगे यह नाटक प्रकार की रचना है। अजगर नाटक के लिखल है, इसको लिखा गया है किसके द्वारा, तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, और इनके द्वारा लिखा गया यह प्रमुख रचना मानी जाती है। यह नाटक जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाटक है, और अजगर यहाँ पे कोई सांप को लेकर, या तो कह सकते हैं कि अजगर मुख्य रूप से जो वो कटाक्ष किया गया है, यहाँ पे मानव रूपी जो कहीं ना कहीं अजगर हैं, जो आज भी कई लोगों को जिंदा निगल रहे हैं, बिना डकार भी नहीं ले रहे हैं, उन्हीं के ऊपर कटाक्ष किया गया है, मानव जीवन पर ही आधारित यह कटाक्ष किया गया है अजगर से संबंधित। अगला सवाल है कि पुटूस आर परास संग्रह लागय, तो पुटूस आर परास जो वो किस प्रकार की रचना है या संग्रह है, तो यह कविता संग्रह के रूप में देखने को मिलता है। भगजोगनी के पिता का नाम बतावा, तो भगजोगनी के पिता के नाम बतावा, तो इसका सही आंसर है कुद्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगजोगनी उपन्यास के नायिका का नाम बतावा, तो भगजोगनी में जो नायिका है इसका नाम है भगजोगनी, तो याद रखेंगे इसमें नायिका का जो है वो है भगजोगनी। अगला सवाल देख लेते हैं, तितकी पत्रिका के पहल संपादन कर ले रहत, तो तितकी पत्रिका के पहल संपादन जो इसकी पहली बार संपादन किया गया था, वो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा ही तितकी पत्रिका का पहल संपादन कर लिया गया है। राजजीक पूरा नाम बतावा, तो आप सभी को पता है कि विश्वनाथ दसौंधी राज इनका उपनाम है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ दसौंधी और राज इनका उपनाम है, इसलिए आपको याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ दसौंधी राज। खोठा भाषा कर पहल पत्रिका का नाम बतावा, तो खोठा भाषा के पहल पत्रिका के नाम बतावा, तो खोठा भाषा के अगर पहल पत्रिका की बात करें तो इसका सही आंसर होगा तितकी। तेतरी आर महुआ के रचनाकार केहत, तो तेतरी आर महुआ के रचनाकार विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा ही रचना यह किया गया है। विश्वनाथ दसौंधी राज का हिंदी कविता संग्रह है, तो इनका जो हिंदी कविता संग्रह है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी हिंदी कविता संग्रह है उसका नाम आपसे पूछा गया है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वेदना के पंख या हिंदी कविता संग्रह है जो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। ढलती सांझ का सूरज उपन्यास है, तो ढलती सांझ का सूरज यह किस प्रकार का उपन्यास है, तो यह हिंदी जो वो उपन्यास है, याद रखेंगे यह हिंदी उपन्यास है, और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। तो ढलती सांझ का सूरज यह हिंदी उपन्यास है और इसको लिखा है विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। अगला सवाल भी वही पूछा गया है कि ढलती सांझ का सूरज जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। अगला सवाल है कि सुकुमार जी का जन्म बच्छर बतावा, तो सुकुमार जी का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 1955 में, 1955 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। सुकुमार जी के नाटक का नाम बतावा, तो डाह ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित पुस्तक है जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना, यानी एक दूसरे से जलन होना, उसी को हम कहते हैं डाह। तो याद रखेंगे यह काफ़ी प्रमुख रचना मानी जाती है सुकुमार जी का, और डाह जो है वो प्रमुख एक नाटक के रूप में माना जाता है। डाह का अर्थ क्या होता है, तो डाह का अर्थ होता है ईर्ष्या या तो फिर जलन, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सुकुमार जी के पूरा नाम बतावा,
ये एक सवाल भी कई बार पूछा गया है। सुकुमार जी का पूरा नाम, क्योंकि ये हो सकता है कि थोड़ा अलग नाम है इसलिए कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखेंगे इसका नाम जो है वो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुकुमार, देखिए सुरेश का सु इन्होंने लिया, ठीक है, सुरेश का इन्होंने सु लिया और सुरेश कुमार, कुमार का यहाँ पे कुमार जोड़ दिया, इसीलिए यहाँ पे हो गया सुकुमार। तो याद रखेंगे इस तरह से इनका पूरा नाम था सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि सुरेश का लिया सु और कुमार तो यहाँ पे पूरा लिया हुआ है, तो यहीं से हो गया सुकुमार। आगे चलते हैं, सुकुमार रवैया लागत। तो सुकुमार जी जो है वो कहाँ के रवैया है, यानी या इनका जो जन्म स्थान है वह कहाँ है, तो भेंड्रा बोकारो इनका जो वो जन्म स्थान है। तो कई बार पूछा जाता है कि भेंड्रा जो वो झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो यह बोकारो जिले में स्थित है भेंड्रा, और यहीं पर इनका जन्म स्थान माना जाता है सुकुमार जी का। सुकुमार के बापे का नाम बतावा, तो यानी इनके पिता का नाम था विश्वनाथ विश्वकर्मा इनके पिता का नाम था, जबकि सुरेश कुमार विश्वकर्मा सुकुमार जी का अपना नाम था। सुकुमार के मायके नाम बतावा, इनके माता जी का नाम क्या था, इनके माता जी का नाम था राधा देवी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राधा देवी। सुकुमार के खोठा संग्रह के नाम बता किला गए, तो इनके खोठा संग्रह का नाम आपसे पूछा गया है कि इनके खोठा संग्रह का नाम था पंचसोखा। तो कई बार पूछा गया कि पंचसोखा जो है खोठा संग्रह किसकी रचना है, तो यह सुकुमार जी की रचना है। झिंगुर के लिखल हत, तो झिंगुर जो है यह प्रमुख रचना मानी जाती है विनोद कुमार की, झिंगुर जो वो सुकुमार जी का प्रमुख रचना है झिंगुर। तो झिंगुर इसका सही आंसर होगा, सुकुमार के द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना है झिंगुर। अगला सवाल है कि बामा हाथे के रतन, यह किसके कैसन रचना लागे, तो बामा हाथे रतन यह लिखा गया है सुकुमार के द्वारा, यह लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा, ये आपको याद में रखना है। हिलोर के संग्रहकर्ता के नाम बतावा, तो हिलोर के संग्रहकर्ता के नाम है सुकुमार जी, सुकुमार जी के द्वारा ही हिलोर जो वो लिखा गया है, तो हिलोर जो वो संग्रहकर्ता कौन है, तो सुकुमार जी इसका सही आंसर होगा। मदन भेरी के लिखल हत, तो मदन भेरी जो लिखा गया है यह सुकुमार के द्वारा ही लिखा गया है मदन भेरी। तो पूछा जा सकता है कि मदन भेरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि सुकुमार के कौन बच्चर खोठा रत्न देल गेल है गेल रहे, तो इनको जो वो खोठा रत्न जो वो किस वर्ष दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1993 में। सुकुमार जी को 1993 में खोठा रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपसे कई बार पूछा गया है सवाल, तो कई सारे एग्जाम में यह सवाल जो वो रिपीटेड सवाल है, यह आपको याद रखना है 1993 में सुकुमार जी को खोठा रत्न से सम्मानित किया गया। आज ना तो काल हमर बात माने हतो, गोड़े कांटा दांते धैर टाने हतो, ई कहवैया का नाम बतावा। तो आज ना तो काल बात माने हतो, गोड़े कांटा दांते धैर टाने हतो, यह कहवैया जो है वो किसके द्वारा कहा गया, तो यह श्रीनिवास पांडे जी के प्रमुख कह सकते हैं कि इन्होंने ही कहा था इसके बारे में। अगर आप इसके पूरे डीपली तरीके से अगर सोचें तो बहुत ही एक सुंदर अर्थ निकल करके आता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आज समझाते हैं कि आज ये बात मान लो आपको आसानी होगी, नहीं तो आगे चल करके यही कार्य इतना कठिन हो जाएगा कि यही कार्य को करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सपोज दैट अगर हम विद्यार्थी जीवन में देखें, तो विद्यार्थी जीवन में कहीं ना कहीं इसके हम चरितार्थ कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में चरितार्थ हम इस प्रकार कर सकते हैं कि अभी आप 2 से 3 साल अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, 2 से 3 साल अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं 2-3 साल, तो बाकी का जीवन जो है वो आप आसानी से बिता सकते हैं, है ना। बाकी जीवन आप कह सकते हैं कि आसानी से बिता सकते हैं, और आपने एक नई पीढ़ी का निर्माण भी सुंदर ढंग से आप अपने बच्चे को या आने वाले जो नई पीढ़ियाँ हैं उनका अच्छे से परिवेश कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने ये 2-3 साल मजे में बिता दिया, तो बाकी जीवन आपको कष्ट भरा जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं चरितार्थ हम इस रूप में कर सकते हैं कि आज न तो काल माने हतो, गोड़े कांटा दांते धैर टाने हतो। तो इस प्रकार इस जो लिखा गया या बोला गया है वह पानुरी जी के द्वारा बोला गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नरेश नीलकमल के जन्म बच्छर बतावा, तो नरेश नीलकमल का जन्म बच्छर यानी जन्म वर्ष इनका कब जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1949 में नरेश नीलकमल का जो है वो जन्म हुआ था।
जन्म स्थान अगर पूछा जाए कि कहाँ पे जन्म हुआ था नरेश नीलकमल का, तो धनबाद जिले में, झारखंड के धनबाद जिले में इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनका मृत्यु यानी निधन कब हुआ था, तो अगर मृत्यु पूछा जाए तो 2008 में, तो 1949 और 2008 ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1949 में इनका जन्म होता है, 2008 में इनका निधन हो जाता है, या धनबाद जिले में से संबंधित इनका जन्म स्थान माना जाता है। आगे चलते हैं, मालक फूल में केकर कविता शामिल करल जा है। तो मालक फूल यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार सवाल जो पूछा गया है। तो नरेश नीलकमल की प्रमुख कविता संग्रह माना जाता है जिसमें कविता केकर कविता शामिल करल जा है, तो नरेश नीलकमल के मालक फूल कविता संकलन करता लागत, तो मालक फूल कविता संकलन करता ये है, तो इसका सही आंसर होगा पानुरी जी। कविता संकलन करता आपसे पूछा गया है, जबकि केकर कविता शामिल करल जाए तो ये नरेश नीलकमल का है, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कविता संकलन करता के लागत, तो पानुरी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिरधारी गोस्वामी के उपनाम बतावा। तो गिरधारी गोस्वामी का उपनाम आकाश खूंटी आपने पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, आकाश खूंटी इसका सही आंसर हो जाएगा। गिरधारी गोस्वामी जी के जन्म बच्छर बतावा। तो अगर पूछा जाए कि इनका जन्म वर्ष जो किस वर्ष इनका जन्म हुआ था, तो 1965 में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे गिरधारी गोस्वामी का जन्म वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो 1965 इसका सही आंसर हो जाएगा। आकाश खूंटी के बाप के नाम की लागे। तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था देबूलाल गोस्वामी। देबूलाल गोस्वामी जो है वो इनके पिता का नाम था देबूलाल गोस्वामी। आकाश खूंटी के माए के नाम की लागे। तो ये दोनों चीज़ आपसे याद रखना है, दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इनके माता का नाम धूमू देवी और पिता का नाम देबूलाल गोस्वामी था। आकाश खूंटी कौन पत्रिका का संपादक लागत। तो आकाश खूंटी जो वो किस कविता या किस पत्रिका के संपादक लागत, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लुवाठी। लुवाठी पत्रिका के संपादक लागत आकाश खूंटी। व्यथित ककर उपनाम है। तो व्यथित अगर आपसे पूछा जाए कि व्यथित जो किसका उपनाम है, तो यह जनार्दन गोस्वामी व्यथित उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। जनार्दन गोस्वामी और इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा जनार्दन गोस्वामी व्यथित। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जनार्दन गोस्वामी के जन्म वर्ष बतावा। तो जनार्दन गोस्वामी का अगर जन्म वर्ष पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 1956 में इनका जन्म हुआ था। से बातिक बूंद कविता संग्रह के संग्रहकर्ता लागत। तो से बातिक बूंद कविता संग्रह के संग्रहकर्ता के लागत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कविता संग्रह, या जो वो एक कविता संग्रह है। से बातिक बूंद कविता संग्रह के संग्रहकर्ता लागत, तो इस कविता के संग्रहकर्ता कौन है, तो जनार्दन गोस्वामी, जिनको ये याद रखेंगे व्यथित उपनाम से जाना जाता है। काका काकी की लागे। तो काका काकी जो है वो किस प्रकार की रचना है, तो यह एक प्रबंध काव्य माना जाता है। तो याद रखेंगे काका काकी जो है यह एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। इस प्रबंध काव्य को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। जब आप किसी का नाम पढ़ें तो उनका उपनाम साथ में जरूर आप पढ़ें, ठीक है, जैसे वंशी लाल वंशी, तो वंशी इनका उपनाम है, इस तरह से आप याद रखें। एके झा जी को झारपात के उपनाम से जाना जाता है, इस प्रकार सभी का उपनाम आप जरूर याद रखें। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं कि व्यथित जी के व्यंग के नाम बतावा। तो व्यथित जी के व्यंग के नाम बतावा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा चाहिक जूता। चाहिक जूता इसका सही आंसर हो जाएगा। जनार्दन गोस्वामी कौन बच्चर खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के सलाहकार चुनल गेल रहत। तो जनार्दन गोस्वामी किस वर्ष जो है वो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के सलाहकार जो के रूप में चुने गए थे, तो 1998 में उन्हें खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के सलाहकार के रूप में चुना गया था। जनार्दन गोस्वामी कौन बैंक में नौकरी कर रहलत। तो जनार्दन गोस्वामी जो थे वो किस बैंक में नौकरी करते थे, तो यह पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक में यह नौकरी करते थे। इस तरह के सवाल भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं, और इस तरह के सवाल जो वो थोड़ा टफ होते हैं, अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे तो आप निश्चय ही यह सवाल को आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तुक्का लगाएंगे तो कोई भी बैंक लगा सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक लगा सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, दुनिया भर का बैंक है, तो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन जब आपको पता होगा, पढ़े होंगे, तो आसानी से आप एग्जैक्ट टिक कर पाएंगे।
क्योंकि सारे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव यानी कई लोगों से पीछे भी आप चल जाते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि संतोष कुमार महतो के जन्म बच्छर बतावा। तो संतोष कुमार महतो का जन्म जो हुआ था 1930 में हुआ था। संतोष कुमार महतो का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इनका जन्म जो वो झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ था, संतोष कुमार महतो का जन्म। एक पथिया डोंगल महुआ, यह कई बार पूछा गया है सवाल कि एक पथिया डोंगल महुआ यह किस प्रकार का संग्रह है। तो याद रखेंगे यह एक कविता संग्रह है, एक पथिया डोंगल महुआ। संतोष कुमार महतो के कविता संग्रह का नाम बतावा। तो एक पथिया डोंगल महुआ ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित कविता संग्रह माना जाता है, जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। एक पथिया डोंगल महुआ में कई गो कविता है, तो याद रखेंगे एक पथिया डोंगल महुआ में टोटल 47 गो कविता है, ये आपको याद रखना है। एक मौनी फूल के लिखवैया का नाम बतावा। तो एक मौनी फूल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो की काफ़ी ज़्यादा प्रमुख कह सकते हैं कि यह लिखा गया एक मौनी फूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख कविता संग्रह जो है वो है ये। और इसमें अगर बात करें एक मौनी फूल में कुल कितनी कविता पढ़ना है, तो कुल 31 कविता इसमें शामिल किया गया है। 31 कविताओं को पढ़ना है एक मौनी फूल में। यह संतोष कुमार महतो की प्रमुख कविता संग्रह है। महेंद्र प्रबुद्ध के जन्म वर्ष बतावा। तो महेंद्र प्रबुद्ध के जन्म वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा 1956 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था जन्म इनका, झारखंड के, तो झारखंड के गिरिडीह जिले में महेंद्र प्रबुद्ध का जन्म हुआ था। जैसे संतोष कुमार महतो का भी जन्म जो है वो झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ था, तो उसी प्रकार आप याद रखेंगे महेंद्र प्रबुद्ध का जन्म जो वो झारखंड के गिरिडीह जिले में ही हुआ था। परास के फूल संग्रह ला गए। तो परास के फूल जो है वो यह किस प्रकार की संग्रह है, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यह एक प्रकार का कविता संग्रह है। तो याद रखेंगे यह एक प्रकार का कविता संग्रह है परास के फूल। महेंद्र प्रबुद्ध के नाटक का नाम बतावा। तो महेंद्र प्रबुद्ध के जो प्रमुख नाटक है वो है तीन काठ धान। इनकी प्रमुख नाटक का नाम है महेंद्र प्रबुद्ध के। परास के फूल ककर रचना लागे। तो परास के फूल अगर आपसे पूछा जाए कि परास के फूल की प्रमुख रचना किसके द्वारा किया गया है, तो परास के फूल महेंद्र प्रबुद्ध के रचना लागे। महेंद्र प्रबुद्ध के खोठा नाटक का नाम बतावा। तो खोठा नाटक तीन काठ धान तो आपने पढ़ा, इसके अलावे आपको याद रखना है चंदूलाल चौकीदार। तो ये दोनों जो है वो इनकी प्रमुख नाटक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लाल बुझक्कड़ कहानी के लिखलत। तो लाल बुझक्कड़ जो लिखा गया है यह महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा ही यह कहानी लिखा गया है लाल बुझक्कड़। तो याद रखेंगे लाल बुझक्कड़ कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा। मानुषिक कद कविता संग्रह के लिखलत। तो मानुषिक कद कविता संग्रह यह भी लिखा गया है महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा ही। महेंद्र प्रबुद्ध के कहानी संग्रह के नाम बतावा। इनके द्वारा जो कहानी लिखा गया उसका संग्रह जो है वो किसमें मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा बुबू गाछ में इनका जो है वो जो भी इसका कहानी संग्रह है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं छायहर जो है वो यह चित्रंजन महतो चित्रा की प्रमुख रचना है। छायहर में कुल 10 कहानी पढ़ना है, तो यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि कहानी संग्रह है। उसी प्रकार हमने पढ़ा सोंध माटी, तो सोंध माटी में भी 10 कहानी है जो कि डॉक्टर विनोद कुमार की है। तो यह एक कहानी संग्रह है, यानी कई उसमें कहानियों को संग्रहित किया गया है एक में। तो यह एक प्रकार के बुबू गाछ जो है यह एक कहानी संग्रह ही है महेंद्र प्रबुद्ध की। शिवनाथ परमानी के जन्म बच्छर बतावा। तो शिवनाथ परमानी का जन्म वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो 1950 में इनका जन्म हुआ था शिवनाथ परमानी का। शिवनाथ परमानी काव्य लिखल हत। तो इनके द्वारा जो लिखा गया काव्य है वो है दामोदरे कोराय, जो कि कह सकते हैं कि खोटा काव्य में जो है वो सबसे कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित काव्य में से एक माना जाता है दामोदरे कोराय। तो याद रखेंगे दामोदरे कोराय जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जाता है काव्यों में से एक माना जाता है, तो वो है दामोदरे कोराय कैसन काव्य लागे। अगर आपसे पूछा जाएगा दामोदरे कोराय जो वो किस प्रकार का काव्य है, तो याद रखना यह एक खंड काव्य है। किस प्रकार का काव्य है, तो यह एक खंड काव्य है दामोदरे कोराय, और इसको लिखा है शिवनाथ परमानी के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं कि कृष्णचंद्र दास आला के जन्म बच्छर बतावा। तो सबसे पहले तो एक सवाल तो आपको यहीं से याद रखना है कि कृष्णचंद्र दास इनका उपनाम है आला। कई बार पूछा जाता है कि आला उपनाम से किसे जाना जाता है, तो कृष्णचंद्र दास को।
इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो 1943 में इनका जन्म हुआ था। 1943 में इनका जो वो जन्म हुआ था, याद रखना है आपको 1943 में। कृष्णचंद्र दास आला के जन्म जो है वो झारखंड के किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो झारखंड के बोकारो जिले में हुआ था, कृष्णचंद्र दास का, जिनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था। आला जी के बापे का नाम की ला गए, तो आला जी के बापे का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि आला जी के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर होगा नानू रामदास। इनके पिताजी का नाम था कृष्णचंद्र दास, आला के पिताजी का नाम नानू रामदास। इनकी माए का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि आला जी के माए का नाम की हल है, तो आरती दास इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास पानुरी स्मृति केकरा मिलल है, तो आपको याद रखना है श्रीनिवास पानुरी स्मृति केकरा मिलल है, तो इसका सही आंसर होगा कृष्णचंद्र दास आला को। उलगुलान उपन्यास लिखल हत, तो उलगुलान उपन्यास जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है उलगुलान का अर्थ होता है महान विद्रोह, तो इसके द्वारा जो उलगुलान विद्रोह आपने पढ़ा होगा, उलगुलान विद्रोह जो वो आपने पढ़ा होगा, इसके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया है, या उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है उलगुलान। तो हो सकता है कि यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उलगुलान जो है वो किससे संबंधित है, तो यह उपन्यास लिखा गया है। अगला सवाल है कि खोठा भाषा। अब देखिए यहाँ पे भाखा लिखा हुआ है, दरअसल क्या है कि जब भी भाषा लिखते हैं तो इस स के बदले में हम इसमें ख का प्रयोग करते हैं या तो फिर स का प्रयोग करते हैं, ये दोनों स या तो स का या तो फिर ख का प्रयोग करते हैं, तो भाखा अगर लिखा जाए तो यहाँ पे आप भाषा उसे पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो खोठा भाषा कुंदन लिखल हत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णचंद्र दास आला के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, यह किस प्रकार की रचना लागे, तो खोठा भाषा कुंदन जो है वह किस प्रकार की रचना है, तो यह रचना जो है वो एक व्याकरण माना जाता है, व्याकरण रचना है। आरसों यानी जोरनिक गोज के लिखवैया लागत, तो इसके लिखवैया जो है वो है कृष्णचंद्र दास आला के द्वारा लिखा गया है। सैतल साड़ा यानी जोरनिक गोज के लिखवैया किए हैं, तो सैतल साड़ा इसका यह अर्थ होता है जोरनिक गोज, इसके लिखवैया कौन है, तो इसके लिखवैया हैं कृष्णचंद्र दास आला, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी खोठा शब्दावली के लिखवैया लागत, तो हिंदी खोठा शब्दावली के लिखवैया वो है कृष्णचंद्र दास आला, इसका सही आंसर हो जाएगा। खोठा भाषा ग्रहण प्रकाशित भेल है तो खोठा भाषा ग्रहण या प्रकाशित जो हुआ है वह आला प्रकाशन चास बोकारो से हुआ है, तो याद रखेंगे खोठा भाषा ग्रहण कौन लिखल है, तो यह लिखा गया किसके द्वारा है, तो यह आला जी के द्वारा लिखा गया है, आला जी के द्वारा, और इसका प्रकाशन आला प्रकाशन से हुआ है, आला प्रकाशन से, जो कहाँ पे है, तो चास बोकारो में स्थित है। आगे चलते हैं, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के जन्म ठाव बतावा, तो सिराजुद्दीन अंसारी या इनका उपनाम है सिराज, कई बार पूछा जाता है कि सिराज के उपनाम से कौन किन्हें जाना जाता है, तो सिराजुद्दीन अंसारी को। इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो जन्म याद रखेंगे माराफारी बोकारो इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका जन्म वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उसी वर्ष इनका जन्म जो है वो 1947 में सिराजुद्दीन अंसारी सिराज का जो है वो जन्म हुआ है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1947। अगला सवाल है कि खोठा खूंटा तितकी राय रचना के रचनाकार लागत, तो खोठा खूंटा तितकी राय की रचना जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह रचना जो है वो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा ही लिखा गया है। रंगैनी फूल संग्रह लागत, तो रंगैनी फूल संग्रह जो वो किस प्रकार की रचना संग्रह है, तो याद रखेंगे यह एक प्रकार का कविता संग्रह है, तो याद रखेंगे यह एक प्रकार का कविता संग्रह है। इसके संग्रहकार कौन है, तो इसके संग्रहकार अगर आपसे पूछा जाए तो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा ही इस कविता संग्रह को लिखा गया है या संग्रहित किया गया है। बीएन औदार के पूरा नाम बतावा, तो बीएन औदार का अगर नाम पूछा जाए तो भोगनाथ औदार के नाम से पूरा जाना जाता है, तो भोगनाथ औदार आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1952 में इनका जन्म हुआ था, 1952 में इनका जन्म हुआ था भोगनाथ औदार का। आपको कमेंट करके बताना कि बीएन औदार जी का जन्म जो हुआ था वो झारखंड के किस जिले में हुआ था। आइए कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि बीएन औदार जी का जन्म जो है वो झारखंड के किस जिले में हुआ था, और उनकी जो भी प्रमुख रचना है वो आप जरूर लिखेंगे।
जो भी बीएन ओदार जी के बारे में आपको पता होगा, आप ये सारा चीज़ पूरा डिटेल आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। एक बार जब उस चीज़ को आप लिखेंगे तो आसानी से आपको लंबे समय तक वो सारा चीज़ आपको याद रहेगा। तो आप सभी ज़रूर लिखेंगे इनके बारे में और इनका जन्म जो वो झारखंड के किस ज़िले में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, और उनकी प्रमुख जो भी रचना है वो सारा चीज़ आपको बताना है। आगे चलते हैं, खोटा निबंध के रचनाकार लागत। तो खोटा निबंध अगर बात करें तो यह बीएन ओदार जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख निबंध है और यह एक निबंध संग्रह है। ये केवल निबंध नहीं, इसमें टोटल 12 निबंध पढ़ना है। इसमें टोटल कितना, 12 निबंध पढ़ना है। चलिए एक बार हम निबंध, सारा निबंध को एक बार हम रिपीट कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। कई बार हो सकता है कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि यह निबंध जो वो किससे संबंधित है, तो वो सारा निबंध एक बार हम पढ़ देते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें है, सोब टाइच चल है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा बैसका बगरा काम कम। उसके बाद है, सर्व धर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता एगो कुकरेक आत्मकथा प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट हामिल के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी और सबसे अंतिम जो खोटा निबंध है वो है हामे खड़ा हों। तो इनका पहला जो निबंध है वो सॉफ्टाइज चल है और अंतिम कविता निबंध जो है वो है हामे खड़ा हूँ। इस प्रकार के इसमें टोटल 12 निबंध है। तो ये 12 निबंधों का संग्रह है खोटा निबंध, जिसको लिखा है बीएन ओदार ने। अगला सवाल है कि खोटा भाषा एवं साहित्य के लिखलहत। तो खोटा भाषा एवं साहित्य को किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बीएन ओदार के द्वारा खोटा भाषा एवं साहित्य को लिखा गया है। खोटा भाषा एवं साहित्य कहाँ से प्रकाशित भेल है, तो यह प्रकाशन जो हुआ है वो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से हुआ है, ये आपको याद रखना है। खोटा निबंध कहाँ से प्रकाशित भेल रहे, तो खोटा निबंध जो वो प्रकाशित कहाँ से हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची। तो इनका जो वो प्रकाशन, खोटा निबंध का प्रकाशन कब हुआ था, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची से। अगला सवाल है कि दुष्यंत कुमार के गजलों के अनुवादकार लागत। तो दुष्यंत कुमार के जो भी गजल था उसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो इसका अनुवाद जो खोटा में किया गया बीएन ओदार के द्वारा। बहादुर शाह जफर के गजलों के अनुवादकार लागत, तो इसके भी रचना गजलों का जो अनुवाद किया था वो बीएन ओदार के द्वारा किया गया है। बीएन ओदार कविता लिखलहत, तो इनके द्वारा जो लिखा गया कविता है वो कौन सा कविता है, तो इनकी जो प्रमुख कविता है वो है उठ जाग झारखंडी। उठ जाग झारखंडी यह काफ़ी अच्छा और काफ़ी बहुत अच्छा कविता है। जब आप एक बार इस चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा और यह झारखंडी लोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यह एक लिखा गया प्रमुख कविता है, जो काफ़ी अच्छा आपको पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा पढ़ेंगे तो आप। अगला सवाल है कि मुक्तिक डहर, मुक्तिक डहर लिखल है, तो मुक्तिक डहर जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है श्याम सुंदर महतो के द्वारा। श्याम सुंदर महतो के द्वारा ही लिखा गया है मुक्तिक डहर। तो मुक्तिक डहर में वर्णन पावल जा है, तो इसमें जो मुख्य रूप से जो वर्णन किया गया है वो किसके द्वारा किसका वर्णन किया गया, तो शक्तिनाथ महतो का वर्णन किया गया है मुक्तिक डहर में, और लिखा गया किसके द्वारा, तो श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है मुक्तिक डहर। श्याम सुंदर महतो लिखल हत, तो श्याम सुंदर महतो के द्वारा जो लिखा गया है वो है चैटराक मुंडे बेल। चैटराक मुंडे बेल यह लिखा गया है श्याम सुंदर महतो के द्वारा। दिनेश दिनमणि के लिखल कविता हक है, तो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया प्रमुख कविता जो है वो है ए मानुस। ए मानुस इसका प्रमुख कविता है लिखा हुआ। मनपूरन गोस्वामी एकांकी लिखल हत, तो मनपूरन गोस्वामी एकांकी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मनपूरन गोस्वामी एकांकी लिखल है, तो आप मंगल इसका सही आंसर हो जाएगा। मनपूरन गोस्वामी एकांकी लिख जो लिखे हैं उसका नाम है आप मंगल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक मौनी फूल से लेल लेल मेल हेक, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा बैगन पोड़ा। बैगन पोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मौनी फूल से लेल मेक है तो वो है बैगन पोड़ा, इसका सही आंसर होगा। भुवनेश्वर साहू लिखल है, तो भुवनेश्वर साहू जो जिसके द्वारा लिखा गया है तो वो है माटिक सौंध बास। माटिक सौंध बास, बास का अर्थ होता है सेंट, बास का अर्थ होता है सेंटेड, और माटिक सौंध, सौंध यानी उसका जो सेंट होता है ना, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो माटिक सौंध बास इसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया, तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, डी सी राम लिखल हत,
तो डीसी राम के द्वारा लिखा गया है, यह है करम परब आर एकर कहनी, यह लिखा गया है डीसी राम के द्वारा। बीएन औदार कर यात्रा वृत्तांत लागे, तो इसके इनका जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत है वो है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट, यह जो वो प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। और नेत्रहाट आप सभी को पता है कि झारखंड का कह सकते हैं कि सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है नेत्रहाट, इसलिए इनको इसको भी कई उपनाम से जाना जाता है। और झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है नेत्रहाट, ये भी आपको याद रखना है। छीका छीकी खोटा क्षेत्र के दोसर नाम बतावा, तो यह जो वो छीका छीकी खोटा या संथाल परगनिया, इनका एक और उपनाम है, ये भी आपको याद रखना है। पार नदिया को कई बार हजार बगिया के नाम से भी जाना जाता है, पार नदिया को, जो रामगढ़ के उत्तर साइड जो भी क्षेत्र में जो बोला जाने वाला खोटा है उसको पार नदिया कहा जाता है, गोलवारी गोला क्षेत्र में बोला जाने वाला है सिखरिया होता है ना, इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है वो है सिखरिया के दूसरा नाम बतावा, तो सिखरिया का जो दूसरा नाम है ये भी काफी ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम है, इसका दूसरा नाम जो है वो है खास पहलिया, सिखरिया का उपनाम है, सिखरिया का दूसरा नाम है खास पहलिया, जबकि छीका छीकी जो वो संथाल परगनिया का उपनाम है। गोलवारी या गोला क्षेत्र में बोला जाने वाला है, रामगढ़िया तो रामगढ़ क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। पूर्वाक झोंका कैसन संग्रह, तो पूर्वाक झोंका यह किस प्रकार का संग्रह है, तो याद रखेंगे यह एक कहानी संग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कहानी संग्रह इसका सही आंसर होगा। लोर काव्य के लिखल हत, तो लोर काव्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है और व्यथित इनका उपनाम है। गिरधारी गोस्वामी के सम्मान मिलल है, गिरधारी गोस्वामी को जो सम्मान मिला है वो है आपका खोटा रत्न, याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा खोटा रत्न। हिलोर किताब लागे, तो हिलोर जो वो किस प्रकार का किताब है, यह एक काव्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। पैन सोखा जो वो संग्रह लागे, तो पैन सोखा जो वो किस प्रकार का संग्रह है, तो यह एक गीत संग्रह है, याद रखेंगे यह एक गीत संग्रह है पैन सोखा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि भगजोगनी कौन बच्छर प्रकाशित भेल है, तो भगजोगनी जो प्रकाशन हुआ था यह प्रकाशित हुआ था 2004 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए। बाप रे बाप गदा गदा सांप लेल गेल है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसमें ये किससे लिया गया है, ये आपको बताना है। तो पुटुस आर परास, से यहाँ पे बोला गया कि बाप रे बाप गदा गदा सांप लेल गेल है, तो ये आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्वनाथ दसौंधी राज लिखल हत, तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा क्या लिखा गया है, तो उद्वासल कर्ण आपको पता होगा कि यह श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। ए मानुष जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा घूर मुंडरी बेलतर, यानी कह सकते हैं कि जो एक बार गलती कर चुके हैं वो दोबारा हम गलती नहीं करेंगे, यह विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखल हत घूर मुंडरी बेलतर, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पहल एकल संग्रह कहानी लागे, तो पहला बार जो पहले जो सबसे पहला और एकल संग्रह कहानी, यानी एकल और होता है केवल एक, तो वह जो कहानी संग्रह लागे वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा फरीश डहर, इसका सही आंसर हो जाएगा। शशि कुमारी के लिखल कविता का नाम बतावा, तो शशि कुमार के द्वारा लिखा गया कविता जो है वो है दो तीन पत्ते, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है खोटा भाषा का प्रथम प्रकाशित उपन्यास का नाम बतावा, तो खोटा भाषा के प्रथम प्रकाशित उपन्यास का नाम जो है वो आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जिनगी टोह, इसका सही आंसर हो जाएगा। कविता पुराण कौन साहित्य है, तो कविता पुराण जो है यह किस प्रकार का साहित्य, तो यह एक बाल साहित्य है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं, खोटा शब्द की उत्पत्ति खोटा से हेल है ककर कथन हकै, तो खोटा शब्द की उत्पत्ति खरठा से हेल है यह ककर कथन हकै, तो यह जो बोला गया है वह कृष्ण चंद्रदास आला के द्वारा बोला गया है कि खोटा शब्द की उत्पत्ति खरठा से किया गया है, जो कहीं ना कहीं खरोष्ठी लिपि से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि खोटा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो वो देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। खोटा लोक साहित्य लिखल हत, तो खोटा लोक साहित्य जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो शिवनाथ परमाणी के द्वारा खोटा लोक साहित्य लिखा गया है।
छायहर कहानी जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चितरंजन महतो चित्रा की प्रमुख कहानी संग्रह है और इसमें टोटल 10 कहानी को पढ़ना है, इसमें टोटल 10 कहानी आपको पढ़ना है और यह जो है वो लिखा गया है चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चितरंजन महतो चित्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। एके झा शिक्षक रहत, तो एके झा जो है वो किस चीज़ के शिक्षक थे, तो यह विज्ञान के शिक्षक थे। याद रखना है आपको, हो सकता है कि ऐसे सवाल कन्फ्यूजन कर सकते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन में खोटा रहे, हिंदी रहे, संस्कृत रहे या अंग्रेजी रहे इस तरह के, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको आप जरूर याद रखेंगे। एके झा जो शिक्षक थे वो थे विज्ञान के। खोटा वाल्मीकि ककरा कहल जा है, तो खोटा के वाल्मीकि जो बोला जाता है वो श्रीनिवास पानुरी जी को बोला जाता है। श्रीनिवास पानुरी जी को खोटा के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। राम कथामृत पानुरी जी लिख लेहला, तो राम कथामृत जो है वो पानुरी जी किस वर्ष लिखे थे, तो इसका सही आंसर है 1956 में। 1956 में राम कथामृत जो है वो लिखा गया था पानुरी जी के द्वारा। तो दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि राम कथामृत किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। कब लिखा गया, तो 1956 में। अगला सवाल है दिव्य ज्योति कविता लागय, तो दिव्य ज्योति कविता जो है वो किसकी कविता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पानुरी जी के। पानुरी जी के कविता दिव्य ज्योति जो है वो कविता लागय, वो पानुरी जी के कविता लागय। खोटा पखवारी पत्रिका के संपादक सन 1970 में रहत, तो खोटा पखवारी पत्रिका के संपादक सन 1970 में रहत, इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पानुरी। याद रखेंगे पानुरी जी का निधन भेल रहे, पानुरी जी का निधन जो है वो कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हुआ था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 अक्टूबर 1986 को। जन्म तो आप सभी को पहले हम बता चुके हैं कि इन्हीं के जन्म दिवस के उपवसर पर खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजा दलेल सिंह के रचना लागय, तो उद्वासल कर्ण आप सभी को पता है कि यह श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत भी इन्हीं के द्वारा कह सकते हैं कि इसका खोटा में अनुवाद किया गया। मुक्तिक धार तो ये अलग अलग कह सकते हैं कि पहला एकल रचना माना जाता है, कहानी माना जाता है, जबकि गोविंद लीला अमृत जो है राजा दलेल सिंह की रचना है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि राजा दलेल सिंह के रचना लागय, तो राजा दलेल सिंह के राजा रहस्य और राजा श्रावण, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों, राजा रहस्य और राम रसावन इसका सही आंसर होगा। श्रावण लिखा गया यहाँ पे थोड़ा सा, राम रसावन, तो राम रसावन ये याद रखेंगे, राम रसावन और राज रहस्य ये दोनों जो वो राजा दलेल सिंह के द्वारा लिखा गया रचना है। पहला में नापल जा है, तो ये आपको बताना कि पहला में जो है वो क्या नापा जाता है, तो पहला में नापल जा है वो अनाज नापल जा है। तो आप सभी को पता है कि पहला जो है वो चावल धान जो भी होता है उसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है वो क्षेत्र विशेष पर जो है वो पहला का जो है वो मिलता है अलग। कहीं पे 18 गंडी का पहला मिलता है, कहीं पे 18 गंडी का पहला मिलता है, कहीं पे जो वो 22 गंडी का पहला मिलता है, यानी कहीं पे 900 ग्राम का, कहीं पे 1 केजी का, ये अलग अलग जो है वो आधार पर जो वो पहला जो वो अलग अलग क्षेत्र विस्तार पर देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आज का आखिरी सवाल है कि सबले बेसी बोलल जाए वाला भाषा कौन है, खोटा, कुरमाली, नागपुरी या पंच परगनिया। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो भी हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। और लाइक इसलिए हम करने बोलते हैं ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और किसी भी वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप जहाँ पे भी बैठ करके इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस पुस्तक को नहीं खरीद सकते हैं, अलग अलग किताब को एक साथ आप नहीं जमा कर सकते हैं, तो आपको किस रूप में एक जगह पे आपको दिया जाए जिससे आपको बेनिफिट हो सके, बस इसी तात्पर्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके बीच में आते रहते हैं। तो आप ज़्यादा कुछ ना करें तो आप कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि आप एक वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास कुछ शेयर कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पर चला जाए और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा सकें। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।